हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीति डायरी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सुपर फूड जिसका इस्तेमाल आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा, या फिर आपके किचन में तो ज़रूर अवेलेबल होगा। और यदि नहीं आपने किया होगा इस्तेमाल, तो आपने अपनी दादी नानी को कभी ना कभी इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देखा होगा। और वो सुपर सीड जो है आपके लिए मेडिकल साबित हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो जो सुपर सीड है वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इस सुपर सीड का नाम है फ्लैक्स सीड, अलसी। हिंदी में अलसी कहते हैं और इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक्चुअली इसका इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। हमारी दादी नानी मम्मी इसका इस्तेमाल करते आ रही हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम से मैं फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसको हर तरीके से इसे इस्तेमाल करके देखा, इसके मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट भी मिले हैं। दोस्तों, ये जो है बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके मोटापे के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपकी मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल होती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा काम तो है कि आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड प्यूरीफाई करता है। जो ब्लड में आपके टॉक्सिन्स, गंदगी जमा हो जाती है, उसको क्लीन करने का काम करता है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है, इसलिए आपको मिल जाएगा, मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा और जनरल स्टोर पर भी आपको इजली मिल जाएगा। गाइस, सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो आपकी स्किन के लिए होता है। जब आप अलसी कंज्यूम करने लग जाएंगे, आप खुद देखेंगे आपके चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ, दाग धब्बे सब खत्म होने लग जाएंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ ही आपकी स्किन को, जो आपके बॉडी में ब्लड होता है, उसको ये क्लीन करने का काम करता है। बॉडी जो ब्लड में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उस टॉक्सिन्स को ही क्लीन करने का काम करता है अलसी। तो जब आप इसको कंज्यूम करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो गया, आपके चेहरे से झाइयाँ जो थी वो गायब होने लगी। आप अलसी को कंज्यूम करके देखिए, आपकी सालों पुरानी झाइयाँ एकदम गायब हो जाएंगी मात्र 15 दिनों में। मैंने इसका इस्तेमाल खुद किया है गाइज, इसके रिजल्ट हमने देखे हैं, इसलिए मैं आपको कह। इसका सेकेंड इस्तेमाल जो है वो है पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे पीरियड इरेगुलर रहते हैं, समय पर नहीं आते हैं, या पीरियड में ब्लड की जो क्वांटिटी है बहुत कम है, मतलब एक ही दिन रहते हैं। तो ये यदि आप फ्लैक्स सीड कंज्यूम करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि आपके पीरियड कम आ रहे हों या खुलकर ना आते हों, या फिर जो है पीरियड रुक रुक कर आते हों और पीरियड में जो ब्लड की का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो, या फिर पीरियड आपके जो हैं इरेगुलर रहते हों, तो आपको अलसी जरूर कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि अलसी में पाया जाता है एस्ट्रोजन की मात्रा, ये इसको लेने से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। मतलब एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारे पीरियड को मतलब ठीक रखता है। तो जब ये अलसी आप लेंगे तो ये एस्ट्रोजन को जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन को ठीक करने का काम करता है, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। यदि बढ़ा हुआ होगा तो उसे भी कंट्रोल करेगा, यदि कम होगा तो उसे बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब इसे बैलेंस करने का काम करता है। मतलब ये आपके वात पित्त और कफ को बैलेंस करने का काम करता है। तो इसलिए आप इसको जब लेना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे आपके पीरियड्स भी खुलकर आएंगे, पीरियड्स में जो ब्लड की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपके पीरियड इरेगुलर होंगे तो रेगुलर हो जाएंगे। यदि आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम होगी, आपके पीरियड्स जो हैं एक ही दिन रहते होंगे, मेनोपॉज की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है। आप इसे साबुत ले आइए। साबुत अलसी कुछ इस तरीके की होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, और इसका पाउडर बना लीजिए। कुछ लोग इसे रोस्ट करते हैं, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे रोस्ट करिए। रोस्ट करने से कोई खास इसमें बदलाव नहीं होने वाला है, बस थोड़ा टेस्ट में इन्हेंस हो जाता है बस। तो मैं कहूँगी इसका कच्चा ही इस्तेमाल कीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे और भी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, पाउडर को भी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो क्या है, एक ग्लास पानी में रात को एक चम्मच या दो चम्मच अलसी को डाल दीजिए और भिगा कर पूरी रात रखिए, और सुबह इसको मतलब इंटेक करिए, मतलब इसको सुबह आपको लेना है, कंज्यूम करना। भिगाना इसको इसलिए क्योंकि तासीर में जो है गर्म होता है, तो आप यदि गर्मी के सीज़न में ले रहे हो तो इसकी जो बहुत ज़्यादा गर्मी भी कर सकता है, तो इसलिए इसकी थोड़ी, जब हम भिगा देते हैं इसको ओवरनाइट, तब इसकी गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है फिर। तो इसलिए इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कीजिए। गाइस, इसको एक दिन में कितना इस्तेमाल करना है ये जान लीजिए। एक दिन में 10 से 20 ग्राम इसका इस्तेमाल कीजिए यदि गर्मी का मौसम है, और यदि ठंडी का मौसम है, विंटर सीजन है, तो आप इसका इस्तेमाल 20 से 30 ग्राम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।